बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम एजुकेशन या मुबातियात तालीम या इल्म तालीम जमात नहम के पहले चैप्टर तालीम के तसव्वुरात के मुख्तसर सवालात के जवाबात पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर के मुख्तसर सवालात के जवाबात को हमने तीन लेक्चर्स में तकसीम किया है। पहले लेक्चर में 1-10, दूसरे लेक्चर में 11-20 और तीसरे लेक्चर में 21-30 सवालात के जवाबात पढ़ेंगे। तो आइए बग़ैर किसी ताखीर के सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, दुनिया के कोई से 3 मुआशरों के नाम लिखें। तो इसका जवाब है, दुनिया के 3 मुआशरों के नाम दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1 रूस, नंबर 2 अमरीका और नंबर 3 पाकिस्तान। सवाल नंबर 2, मुआशरे की तरक्की का ताल्लुक किस से है। मुआशरे की तरक्की का ताल्लुक उसकी तालीमी तरक्की से वाबस्ता है। जो मुआशरे तालीम में नुमाया तरक्की करते हैं, मुआशी और मुआशरती तरक्की में भी कोई दूसरा मुआशरा उनका मुकाबला नहीं कर सकता। सवाल नंबर 3, मकासिद तालीम में तब्दीली किस वजह से आती है। तो इसका जवाब है कि मुआशरे में पैदा होने वाली मुआशरती तब्दीलियाँ मकासिद तालीम और निज़ाम तालीम में तब्दीली का बाइस बनती हैं। सवाल नंबर 4, साबका सोवियत यूनियन के मकासिद तालीम क्या थे। अज़ीज़ तलबा, सोवियत यूनियन जो मौजूदा रशिया है, किसी ज़माने में इसे सोवियत यूनियन कहा जाता था। इसका जवाब है कि साबका सोवियत यूनियन में मकासिद तालीम तय करते वक्त इस बात पर ज़ोर दिया जाता था कि इस निज़ाम तालीम से फारिग होने वाला शख्स अच्छा इश्तराकी शहरी हो। निसाब भी ऐसा मुरतब किया जाता था जो इश्तराकी फ़लसफ़े को फैलाने का बाइस बने। अज़ीज़ तलबा, ये इश्तराकी फ़लसफ़ा है क्या? इस फ़लसफ़े की रूह से जो इस फ़लसफ़े के हामी और प्रचार करने वाले लोग थे, उनका मानना था कि हर इंसान को, ख़ास तौर पे मज़दूर तबके को, इस कदर ख़ुद कफ़ील होना चाहिए या इस कदर ख़ुद कफ़ील किया जाए कि वो दूसरों के सामने हाथ ना फैलाए। सवाल नंबर 5, यूरोप और अमेरिका जैसे मुआशरों में मकासिद तालीम में क्या बात शामिल होती है। तो इसका जवाब है कि यूरोप और अमेरिका जैसे सरमायादार जमहूरी मुआशरों में मकासिद तालीम में इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि तालीम से फारिग होने वाला हर फर्द खुद कमा सके और ख़ुद खर्च कर सके। सवाल नंबर 6, मुसलमान मुआशरे का निज़ाम तालीम दूसरे मुआशरों से मुख्तलिफ क्यों होता है। तो इसका जवाब है कि एक मुसलमान मुआशरा इस बात पर ईमान रखता है कि सारी कायनात का खालिक अल्लाह ताला है, लिहाजा कायनात की तख्लीक और नज़रिया हयात के इख्तिलाफ की वजह से मुसलमान मुआशरों का निज़ाम तालीम भी दूसरे मुआशरों से मुख्तलिफ होता है। सवाल नंबर 7, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से अरबी कौम पर क्या असर हुआ। तो इसका जवाब है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के ज़रिए अरबों की सकाफ़त की तश्कील नौ की और उनकी माशरती और माशी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में ऐसी तब्दीलियाँ पैदा कें कि वो कौम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त किसी शुमार में न थी, वो अपनी तालीम और सकाफ़त के बदल जाने से सनात व हिरफत, साइंस, मुआशियात और मुआशरत में दुनिया की इमाम बन गई। सवाल नंबर 8, तालीम के अमल में इर्तिका कैसे हुई। अज़ीज़ तलबा, इसका जवाब थोड़ा तवील है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसी तवालत के साथ ये सवाल लिखना ज़रूरी था। आप चाहें तो इसका खुलासा अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को पैदा करके ज़मीन पर भेजा। जों जों रुए ज़मीन पर इंसानों की तादाद बढ़ती गई, ख़ानदान और कबीले वजूद में आते गए। इल्म और तहज़ीबी रिवायात वालदैन से औलाद को सीना बसीना मुंतकिल होती रहीं। मर्द चौपालों में बैठकर दास्तानें और वाक़यात सुनाते थे
और घर की औरतें चूल्हों के पास बैठकर पिछले वाकयात सुनाती थीं। इस तरह एक नस्ल से दूसरी नस्ल को अपनी अपनी तहजीब और सकाफत मुंतकिल करती थीं। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इदारे वजूद में आते गए। कागज़ की ईजाद से किताबों की छपाई का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरे आलात और ईजादात का सिलसिला आगे बढ़ा। मुआशरे की तरक्की के साथ कौमें और मुल्क वजूद में आए। दरसगाहें और मदरसे कायम हुए। उलूम ने तरक्की की और हम आज के दौर में दाखिल हो गए। इंसान की पैदाइश से तालीम का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है। सवाल नंबर 9, तालीम और इल्म में क्या फ़र्क है? अज़ीज़ तलबा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम सवाल है। इसका जवाब है कि तालीम अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ इल्म से माखूज है। इल्म के मानी जानना, पहचानना या किसी हकीकत का इदराक हासिल करना है, और तालीम के मानी बताना, पढ़ाना बार बार और कसरत से ख़बर देने के हैं, इस हद तक कि बताई जाने वाली बात मुखातब के जहन में बिल्कुल वाज़े हो जाए। सवाल नंबर 10, तालीम की तारीफ़ लिखें। अज़ीज़ तलबा, इसका जवाब है कि तालीम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए मुआशरे के अफराद की तरबियत और नशोनुमा का बंदोबस्त किया जाता है, जिसके नतीजे में अफराद को मुआशरे के कामयाब अरकान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हमने एजुकेशन बाब अव्वल के पहले 10 सवालात के मुख्तसर जवाबात पढ़े। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद 10 सवालात के जवाबात पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।